आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल का न्यूक्लियस 3 अलग अलग प्रकार की रेडिएशन रेज को एमिट करता है, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा रेज की विशेष इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकली बीम को एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से अलग किया जा सकता है। अल्फा रेज में एक रेडियो एक्टिव एटम के न्यूक्लियस से उत्पन्न पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। असल में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल चुके हों। मैग्नेट के कारण अल्फा रे के पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम होती है। मैग्नेट से गुजरने के बाद वे अल्फा रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती है। क्योंकि बीटा रे के इलेक्ट्रॉन्स का मास अल्फा रे के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से कम होता है, इसलिए बीटा रेज ज्यादा बेंड होती हुई दिखाई देती है। गामा रेज प्योर एनर्जी होती है, क्योंकि एक गामा रे का न तो कोई मास होता है और ना कोई चार्ज, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होती। इन 3 रेडिएशंस की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विभिन्न मटेरियल्स को पेनिट्रेट करने की इनकी कैपेसिटी को प्रभावित करती है। जहां एक अल्फा पार्टिकल को पेपर की शीट द्वारा रोका जा सकता है, बीटा पार्टिकल आसानी से पेपर से होकर गुजरता है लेकिन एल्यूमिनियम द्वारा रोक लिया जाता है। एक गामा रे पेपर या एल्यूमिनियम से गुजर जाती है लेकिन इसे लेड द्वारा रोका जा सकता है। ये तीनों रेडिएशंस जिस डिग्री तक मनुष्य के टिश्यू में प्रवेश कर सकते हैं, उसी को देखते हुए रेडियोएक्टिव मटेरियल के संपर्क को खतरनाक माना गया है। ह्यूमन बॉडी पर रेडिएशन के प्रभाव के संदर्भ में अल्फा पार्टिकल्स को आमतौर पर स्किन की आउटर लेयर द्वारा रोक दिया जाता है और अंडरलेइंग टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि बीटा पार्टिकल्स को स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर द्वारा नहीं रोका जा सकता, इसलिए ये डीप सेंसिटिव टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी प्रकार गामा रेज भी बॉडी में पेनिट्रेट करके नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसीलिए रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के साथ काम करते वक्त स्पेशल प्रोटेक्टिव गियर पहनना आवश्यक है। जब एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के एटम पर हाई स्पीड से फायर किया जाता है तो ये फिशन नामक एक प्रोसेस से एटम को विभाजित करता है। एक एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और न्यूक्लियस को होल्ड करके रखने वाले अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस को बैलेंस करके मेंटेन की जाती है। यूरेनियम के केस में ये बैलेंस अनस्टेबल होता है, इसलिए जब एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है तो वो एक इलॉन्गेटेड शेप में फैल जाता है। ये इलॉन्गेटेड शेप रिपल्सिव फोर्सेस के फेवर में होता है और यूरेनियम 235 एटम क्रिप्टॉन और बेरियम के एटम्स में स्प्लिट यानी विभाजित हो जाता है। इस पावरफुल एनर्जी रिलीज से 3 न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। ये तीनों न्यूट्रॉन्स 3 और यूरेनियम एटम्स से टकराते हैं और कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन के परिणाम स्वरूप एटम बॉम्ब बनता है। न्यूक्लियर फिशन का ये प्रोसेस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स का भी काम करता है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूरेनियम 235 के फिशन से उत्पन्न हीट का उपयोग स्टीम बनाने के लिए किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली टर्बाइंस को चलाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे।